वो क्या लगता है कल बायोटेक से क्वेश्चन आएगा? भाई कल 4-5 तो पक्का है बायोटेक से, ओ भाई, मुझे लगता है जितना। तेरा कितना हो गया? मेरा तो हो ही गया है, बस थोड़ा सा फिजिक्स का बच गया है, सर्कुलर मोशन, बाकी तो सारा कर दिया हमने हाँ यार मेरा भी अब होने वाला है, बट थोड़ा सुपर भाई। कैटर लग रहा है कि अभी बच जाएगा। चल कोई नहीं, मेरा तो देखते बहुत बचा है भाई, अभी 2 बजाने पड़ेंगे रात के। भाई। क्या हुआ, इतने दिनों से खांस रहा है भाई, मैं देख रहा हूँ। क्या हुआ, थोड़ा चेकअप चुकअप करा ले? ठीक कुछ नहीं भाई, ठीक है, नॉर्मल है। है, मैं लग रहा भाई तो ठीक है। अरे तू कुछ नहीं, अपना काम कर यार, बस ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, हम अपना काम करते हैं। बैठो बैठो, क्या हुआ इनको? केसी क्या हुआ? मुझे ना 2 हफ्तों से खांसी है बस। हाँ, 2 हफ्तों से खांसी हो रही है? हाँ जी। और कुछ हो रहा है? बुखार? और बुखार भी है। कपड़े ढीले हुए हैं कुछ? हाँ, कपड़े धीरे धीरे। वजन कम हुआ है इनका आपने देखा? हाँ, वजन भी कम हुआ है इनका भी। रात को पसीने आते हैं? रात को पसीने भी आते हैं? हाँ, पसीने भी आते हैं रात को। और कोई और दिक्कत तो नहीं है? और क्या? और तो बलगम कैसा आ रही है? तो बलगम, बलगम में खून आया था अभी पीछे, बलगम में खून खून आया आया था। था। अच्छा, 2 हफ्ते हो गए ना। अच्छा ऐसा करो ना, मैं ये एक एक्सरे लिख रहा हूँ और एक ये बलगम की जांच है, ठीक है? ये कराओ, एक्सरे अभी मुझे दिखा जाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये आपने रिपोर्ट्स के लिए बोला था ना? अच्छा राकेशी, ये बलगम वाली रिपोर्ट है जी, और ये एक्सरे है। एक्सरे दिखाना जरा। राकेश जी, अब मैं आपकी एक बार चेस्ट देखने वाला हूँ ना, आप जरा मुड़ जाइए उससे। आपने आराम से सांस लेना अंदर का। केस की होगा अंदर लो सांस। तो राकेश जी, आपकी एक्सरे और बलगम की जांच की रिपोर्ट देख के मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपको ना टीबी की बीमारी हो गई है, तो आपने घबराना नहीं है। टीबी एक पूरी तरीके से ठीक हो सकती है अगर आप 6 महीने प्रॉपरली दवाइयाँ लिखें। देखो मैं आपको 4 दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? आपने ये 6 महीने लगातार खानी है और एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, एक भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बीमारी दोबारा आ जाएगी, ठीक है? और टीबी की दवाइयाँ जो है वो मुफ्त आपको किसी भी केमिस्ट से मिल सकती हैं। आप चाहें तो हमारे यहाँ फार्मेसी में जा सकते हैं, ठीक है? और आपको मुफ्त मिलेंगी। हमारे हिमाचल गवर्नमेंट ने एक मुख्यमंत्री निरोग योजना स्टार्ट की है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने, उसके तहत सबको फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। तो मैं आपको 4 दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? और आपने ये प्रॉपरली खानी है, 6 महीने, 6 महीने तक खानी है। और आपने ये दवाइयाँ एक बार यहाँ से डॉट सेंटर में भी दिखा लेना है, ठीक है? और 6 महीने बाद दोबारा आना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत होती है, कि कोई ज्यादा खांस सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या कोई और हो रहा है, कोई खून की उल्टी आ रही है या कुछ आ रहा है, तो आपने एकदम आके हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में दिखा देना है। और कोई तकलीफ? डॉक्टर साहब, मेरा ना नीट का एग्जाम है अभी, तो अगर ये दवाइयाँ से कुछ उस पर असर तो नहीं होगा? नहीं नहीं, आपकी पढ़ाई पे इन दवाइयों से कोई असर नहीं होगा, बल्कि कुछ 1-1.5 महीने बाद आप बेहतर फील करने लग जाएंगे, बट इनको रोकना मत। भाई यार, मैंने सुना है यार राकू को भी टीवी हुआ है। हाँ सच में यार, मैंने सुना है राकेश को टीवी हुआ है यार। हमारा तो नीट भी आ रहा है। हाँ भाई सच में, हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए इस टाइम पे ना, हमें भी थोड़ा। हाँ भाई, कहीं हमें फैल गया फिर तो हमारा भी टेस्ट खराब हो जाएगा भाई नीट का। हाँ यार ठीक है, दूर ही रहते हैं फिर। बिल्कुल भाई। यार पहले मेरे कितने अच्छे नंबर आते थे यार,
और इन दवाइयों की वजह से नहीं आ रहे मेरे अच्छे नंबर। मैं नीट क्लियर करके रहूंगा यार। यार नीट का रिजल्ट आ गया देख तो सही। देख रहा हूँ भाई, रुक जा। मेरे देख कितने हैं पहले। फपे 602। नाइस यार, नाइस। तेरी कितनी है? बिल्कुल देख रहे थे पहले। 580। ठीक है यार। राकेश की कितने आए होंगे? राकेश की रुक जा देखता हूँ। इसके तो बड़े कम है। कितनी है इसकी? 402 है यार। यार इसने तो टीबी की दवाई खाने भी छोड़ दी थी ना। हाँ यार, मेरे को सुनने को तो यही आ रहा है कि इसने छोड़ दी थी वो। अब क्या होगा अम्मा? अरे भाई तेरी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं लग रही यार, चल हॉस्पिटल चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं यार ठीक है, कुछ नहीं हुआ, हो जाएगा। पर चलते हैं यार, चल ना, तेरी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी भाई। यार तू पूरा बता दे यार, डॉक्टर साहब को पूरा बता दे। एक्चुअली डॉक्टर साहब मेरा एग्जाम था ना, तो एग्जाम के चक्कर में मैंने अपनी दवाइयाँ खाना छोड़ दी थी, तो अब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। राजेश जी मैंने आपको क्या समझाया था उस समय, तब दवाइयाँ लेना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब देखिए, अब आपने दवाई छोड़ दी है, अब आपको हो सकता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाए। हम आपकी एक और बलगम की जांच भेजेंगे, ठीक है, और एक चेस्ट एक्सरे भी भेजेंगे। पर आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है तो फिर आपको दवाइयाँ 4 की जगह 1-6 खानी पड़ेंगी, और दूसरी बात 6 महीने की जगह 9 से 12 महीने तक आपकी ट्रीटमेंट चलेगी। और इससे नुकसान ये बात है क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ में दिक्कत आ सकती है। तो राकेश जी अब जो मैं दवाई लिख रहा हूँ ना, आपने खानी ही खानी है, ये 6 महीने तक की है अभी फिलहाल, तो आपके जांच की जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि MDR है या नहीं। बट अब जो मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आपने इनको 4 दवाइयाँ पूरे 6 महीने लगातार एक भी डोज मिस नहीं करनी है, ठीक है। और आपकी पढ़ाई पे इस इन दवाइयों से कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो राकेश जी अब ध्यान रखना, क्योंकि बार बार मौके नहीं देती। ठीक है, ठीक है। यार भाई नीट का रिजल्ट आ गया है यार, चेक करना मेरा रिजल्ट। करता हूँ 2 मिनट। यार भाई तेरा तो नीट में सिलेक्शन हो गया यार। भाई यार वाह भाई वाह यार, भाई सिलेक्ट हो गया यार ना भाई।